Assalamu alaikum everyone. Assalamu alaikum. Welcome back to another vlog. इस वक्त हम लोग लिफ्ट में हैं और मेरी आवाज बहुत ही बुरी हो चुकी है, इस वक्त यकीन करें। हम लोग आज जा रहे हैं मदीना की सारी सियारतें करने और आप लोग अपने साथ लेकर चलते हैं। चले लिफ्ट खुल चुकी है तो निकलते हैं बाहर। आज काफी रश हो गया हमारे होटल में, है ना। चले, हमने अपनी जियारत के लिए गाड़ी बुलाई थी, टूर बुक किया एक छोटा सा। चले जी, हमारी गाड़ी आ चुकी है और चलते हैं। आप किससे फ़ोन पे बात कर रहे हो? अपनी स्कूल फ्रेंड से। मरवा दिखाओ, आपके पास क्या? इसमें पता क्या स्पेशल है? इसमें स्पेशल है मरवा। अच्छा जी, वो सामने जो है आपको दिख रही है जबल अहद, अहद माउंटेन, और ये जो है ये सैयद शुहदा मस्जिद है यहाँ पर। और वो बच्चे किधर गए मेरे? वो देखे, मरवा अब्दुलरहमान बर्ड्स के पीछे भाग रहे हैं। इनको जहाँ पे ये पिजन्स नज़र आ जाते हैं, ये उनके पीछे भागने लग जाते हैं। वो लुकमान किसी बच्चे से बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, आई एम रेडी। मरवा और अब्दुलरहमान ने सारे परिंदे इकट्ठे कर दिए दाना डाल। माशाल्लाह, वाइट वाली भी है। अच्छा, ये है जी मस्जिद अश-शुहदा जो है, और ये है अहद माउंटेन जो कि 7 किलोमीटर लंबा है। और यहाँ पर जो है आपको पता है कि इस्लाम की दूसरी जंग है, द बैटल ऑफ अहद, जहाँ पर मक्का के लोग और मदीना के और मुस्लिम कम्युनिटी की जो है ना आपस में जंग हुई थी, और मदीना के जो मुसलमान हैं वो उस जंग में जीत गए थे। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं और आवाज़ मेरी बड़ी ख़राब है। ये देखें ये जो लोग आपको यहाँ पे खड़े नज़र आ रहे हैं, यहाँ ये वो जगह है जहाँ पर अहद की जंग हुई थी, द बैटल ऑफ अहद। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो ऊपर चढ़े हुए हैं इस जगह पर। चलें, आपको आगे लेकर चलते हैं। लुकमान कह रहे थे आगे भी आपको कुछ दिखाते हैं। ये मस्जिद है और आई थिंक यहाँ पे जो है ना वो जो शुहदा हैं जो इस जंग में शहीद हुए थे उनकी कब्रें हैं। यहाँ पर जो है वो कब्रें मुबारक हैं हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम की, और भी काफ़ी सारे लोगों की। मैं आपको बताऊँगी डिटेल में सर्च करके सारी। और ये देखें, यहाँ पर सब जो है ना वो ज़्यारत करने आए हुए हैं। कब्रों की ज़्यारत के बारे में तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आपने या तो उनके लिए दुआ करने आना है, इबरत हासिल करने आना है, तो कब्रिस्तान में जाना अलाउ है, और लेडीज़ को तो वैसे ही अलाउ नहीं है। इसलिए यहाँ पर कब्रिस्तान वगैरह के एरिया में इतना ज़्यादा मना किया जाता है कि यहाँ पर आके आप ऐसे खड़े रहें, तस्वीरें लें, और ये सब कुछ दिस इज़ नॉट राइट थिंग। इसलिए बेहतर होता है कि ऐसी चीज़ों को अवॉइड किया जाए। और हिस्टोरिकल साइट्स पर जो हम जब विज़िट करते हैं तो हम उनके बारे में या सीखने के लिए विज़िट करते हैं, तो वो चीज़ एक अलग बात होती है। हाय मरवा। ये मस्जिद जो है ये तो इस वक्त बंद है। मस्जिद अंदर जाना जो है बिल्कुल अलाउ नहीं है। लोग जो है सिर्फ मस्जिद के बाहर से विज़िट करते हैं और उसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। और बस यहाँ पे अब इन्होंने कुछ शॉप्स और मार्केट्स बनी हुई हैं कि आप अगर कुछ शॉपिंग वगैरह करना चाहते हैं तो ये देखें, ये कुछ शॉप्स एंड मार्केट्स हैं, यहाँ से आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। और करीम बाइक्स वगैरह भी हैं कि आप बाइक पे, क्योंकि कुछ लोग पैदल चलते होंगे यहाँ पर। अब जो है हम जाते हैं वापस गाड़ी में और अपनी नेक्स्ट साइट को विज़िट करते हैं, जाके देखते हैं, अगली ज़ियारत की तरफ चलते हैं। क्या हुआ, ये मुझे खड़े होके देख रहे हैं, लगता है ये कुछ कहना चाहते हैं। चले, हाँ चल रहे हैं। अच्छा जी, इस वक्त जो है हम लोग हैं क़िबलतैन मॉस्क जो है मस्जिद क़िबलतैन की तरफ, जहाँ अल्लाह ताला के लास्ट प्रॉफेट आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही नाजिल हुई थी क़िबला डायरेक्शन चेंज करने की। आप सब में से बहुत सारे लोगों को पता ही है, आई थिंक 100% लोगों को पता है कि हमारा जो फर्स्ट क़िबला था वो अल अक्सा की तरफ था, जो इस वक्त फ़लस्तीन में है, वो हमारा पहला क़िबला था। और जो दूसरा उसके बाद जो हमारा क़िबला था, यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ था कि अब जो हमारा क़िबला है वो मक्का में है, जो कि दहली काबा। तो यहाँ ये वो मस्जिद है, यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ था। और इस वक्त हम लोग यहाँ पे हैं। बहुत सारे लोग जो है वो मेंस प्रेयर रूम है, इधर लेडीज़ का है, तो यहाँ पे सब नमाज और नफल अदा करने आते हैं। और उसके बाद अब मैं वेट कर रही हूँ लुकमान का, और वो नज़र आ चुके हैं, आ गए हैं वो भी नमाज़ पढ़ के बाहर। ये तो उदास हो जाता है, ये तो उदास हो जाता है। ये है मस्जिद क़िबलतैन।
चले जी, ये थी छोटी मोटी जो हिस्ट्री जो हमने आपको बताई। अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं और आपको लेके चलते हैं अगली जगह पे। चलो बच्चों, सिट, कम ऑन किड्स। अच्छा, इस वक्त जो है हम लोग हैं अल फतह मॉस्क की साइड पे, जो आप बिल्कुल मेरे पीछे देख सकते हैं। ये वो मस्जिद है जो द बैटल ऑफ खंदक, गज़वा खंदक के टाइम पे जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बिल्ट की गई थी। एंड कलेक्टिवली यहाँ पे हैं पूरी 7 मस्जिदें, 7 मस्जिदें हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस जो थे, सहाबा करम उनके जो कंपेनियंस थे उनके नाम पे वो सारी मस्जिदें हैं। हम आपको सारी मस्जिदें दिखाते हैं। इस वक्त ये जो मस्जिद है ये है मस्जिद अल फतह, और यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जंग के दौरान में नमाज भी अदा किया करते थे, रहते भी थे। तो ये उनके लिए बनाई गई थी, बाकी सारी जो हैं वो जंग के दौरान उनके बाकी सारी मस्जिदें जो हैं वो उनके कंपेनियंस के नाम पे बनाई गई हैं, हज़रत उमर, अली, सलेमान। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं। एक ऐसी जगह पर नमाज अदा करना जहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की हो, जगह वैसी बहुत प्यारी लगती है। अभी तो इस मस्जिद तक आने का रास्ता काफ़ी क्लियर बन चुका हुआ है, लेकिन पहले दौर में मुझे नहीं पता लोग कैसे ऊपर आते होंगे ऐसे पहाड़ पे चढ़ के। 2 मस्जिदें तो आई बिलीव कि वो ऊपर की तरफ है, वहाँ पे है ना, वो ऊपर है, वो उस तरफ है, इस तरफ है एक। इतनी ऊंचाई पे कैसे चढ़ते थे लोग उस वक्त, जंगों का दौर। ये तो अभी लेटेस्ट है ना, बिल्कुल सीढ़ियाँ वगैरह बनी हुई हैं, तो इस तरह से पहाड़ों के ऊपर चढ़ना तो बहुत मुश्किल होगा। अच्छा जी, एक जो है ये मस्जिद है, ये देखें यार पुराने वक्तों में कैसी सिंपल सादी मस्जिदें होती थी, इतनी सादी मस्जिदें होती थी। इनको ये भी सहाबा कराम की मस्जिदें हैं। हाँ, ये भी ओपन होनी चाहिए, इनमें भी आप नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन लोग ना यहाँ पे अभी जैसे आपने एक आदमी को देखा कि चूम रहा है पत्थर, पत्थर उठा के लेकर जा रहे हैं, कुछ इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर देते हैं लोग। इस वजह से ये जगह बंद कर देते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड मेंटेन नहीं किया जाता है। अगर आप बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल में रख के यहाँ पे सिर्फ नमाज ही पढ़ने आए कि अगर मस्जिद है नमाज पढ़ लें, लेकिन लोग पत्थरों को चूमने लग जाते हैं, सजदे उल्टे सीधे पत्थर लेके जा रहे हैं अपने साथ, इस तरह की हरकतें करते हैं, तो फिर वो चीज़ जो है शिर्क में भी आ जाती है, गुनाह भी होता है बहुत सा, और इसी वजह से फिर वो अलाउ भी नहीं करते हैं कि आप में से कोई भी इजीली आए। बस आए, आके विजिट करें, देखें और यहाँ से चले जाएं। ये देखें ये 2 मस्जिदें हैं जो बिल्कुल पहाड़ के ऊपर हैं, तो वहाँ पे तो हम जाएंगे जा नहीं रहे, क्योंकि आई थिंक वहाँ जाना बड़ा मुश्किल है। छोटे बच्चों के साथ हैं अगर आप, तो अगर आप मैनेज कर सकते हैं जाना तो कोशिश कर सकते हैं, वरना मुझे पता है कि बच्चे जो हैं वो थक जाते हैं, आधे रास्ते से वापस नीचे आ जाते हैं। एक ये मस्जिद है, आपको दिखाते हैं थोड़ा ऊपर जाके, राम की मस्जिदें हैं, और आप देखें कितनी सिंपल हुआ करती थी। ये तो अभी बैरियर्स वगैरह लगा दिए हैं कि अंदर जाना अलाउड नहीं है। ये देखें कुछ मस्जिदें जो हैं वो ये ऊपर है यहाँ पे इस तरफ। ये देखें कि ये मस्जिद है मरवा, ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मस्जिद है। ये देखें कितनी सिंपल और कितनी अच्छी मस्जिद बनाई हुई है। ये उस दौर की मस्जिदें होती थी हमारे नबी के दौर की। ये देखें ये भी एक मस्जिद है, और इन सब के नाम जो हैं वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस जो हैं उनके बेसिस पे रखे गए थे। तो ये थे हम लोग अल खंदक 7 मोस्क्स वाली साइड पर, जो कि गज़वा खंदक वाले एरिया में जहाँ वो जंग हुई थी उस दौर में ये मस्जिदें बनाई गई थी साथ। और अब हम लोग यहाँ से नीचे आ रहे हैं। आई एम रियली सॉरी अगर मेरी आवाज़ नहीं आ रही, तो मेरा गला बिल्कुल काम नहीं कर रहा, तो बिल्कुल नहीं बोला जा रहा, बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा बोलने के लिए। ये जो है जामिल खंदक, ये लेटेस्ट है, यानी कि बाद में बनी है मस्जिद, लेकिन रियल जो 7 मस्जिदें हैं वो मैंने आपको दिखाई हैं वीडियो में, 2 जो हैं वो ऊपर हैं, इसलिए वहाँ तक तो हम नहीं गए। चले अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ, और फिर आपसे नेक्स्ट जगह पर मिलते हैं। चले अब हम लोग यहाँ पे आए हैं खाना खाने। चले जी, अभी इस वक्त मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं मस्जिद अल कुबा। बेसिकली इसको इस्लाम की पहली मस्जिद भी कहते हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत करके आए थे यहाँ पे, तब उन्होंने ये मस्जिद ही फाउंडेड दिस मस्जिद एक्चुअली। और इस वक्त मेरे मुँह पर धूप पड़ी है तो मैं ऐसे ही हो चुकी हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
का फरमान है कि यहाँ पे दो नफल अदा करने उम्रा करने के बराबर हैं, तो जो भी अपने घर से वजू करके यहाँ पर आके दो नफल अदा करेगा उसका सवाब जो है वो एक उम्रा जितना है। तो अभी हम लोग चलते हैं मस्जिद के अंदर, आपको लेके चलते हैं। ये देखें मस्जिद का स्ट्रक्चर जो है, जो ओरिजिनल है आई थिंक उससे थोड़ा सा चेंज हो चुका हुआ है, लेकिन यही है रियल मस्जिद, मस्जिद अल कुबा। अब ये देखें यहाँ पे कितना रश है लोगों का, और सबके सब नमाज अदा करने आए हैं यहाँ पे। वो अब्दुल रहमान चला गया बीबी को देखिए। ठंडा है देखिए, यहाँ पर हदीस लिखी हुई है इब्न माजा की। यहाँ पे सारी बर्ड्स उड़ रही हैं, मरवा भी उड़ा रही है सबको, वो उधर खाना खा रही हैं, इधर देखो इधर खाना खा रही हैं। चले आज हम तो यहाँ से हो गए हैं फ्री, अब देखते हैं कि लुकमान और अब्दुल रहमान भी आ चुके होंगे बाहर। अब तक तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, हम तो यहाँ अंदर से बाहर आके बाहर पिजन्स के साथ खेलने लगी थी मरवा, लेकिन अब फ्री हो गए होंगे तो चलते हैं। कहाँ रह गई मरवा, पीछे रह गई, आ जाओ चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं और जाके देखते हैं कि लुकमान और अब्दुल रहमान बाहर आए हैं कि नहीं आए। अब्दुल रहमान ने आते बिल्ली को पकड़ लिया, और बाबा किधर रह गए हैं? बाबा वो आ रहे हैं अभी, वो आ रहे हैं लुकमान इधर से। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं मस्जिद कुबा से, और अब हम आपको नेक्स्ट अपनी डेस्टिनेशन पे लेकर जाएंगे। ये सारी ज्यारतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं है, हल्की हल्की डिस्टेंस पे हैं, इसलिए हम थोड़ी देर रुकते हैं, नफल जहाँ पढ़ने होते हैं वहाँ पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम वहाँ से निकल पड़ते हैं। चले वो देखे सारे गाड़ी में बैठ गए, मैं बाहर आ गई हूँ अकेली। देखिए ये है वो कुआं या वेल जिस पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुसल फरमाया था, वजू फरमाया था यहाँ पे, और वो इस कुएं को कहते थे कि ये मेरा कुआं है। अच्छा इस कुएं में से मेरा ख्याल है पानी निकलता है अभी भी, और वो है जगह ये। अच्छा इस वक्त जो है हम लोग जिस जगह पर हैं, हमारे पीछे आपको नज़र आ रहा है एक वेल, यानी कि कुआं जिसको कहते हैं गर्स वेल या मेयर गर्स गर्स ऐसे करके नाम है। अच्छा तो बेसिकली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का से मदीना हिजरत के वक्त में उन्होंने यहाँ पर जब वो ठहरे थे तो यहाँ पे इस कुएं के पानी से उन्होंने वजू किया था, गुस्ल फरमाया था, और वो इस कुएं को कहते थे कि मेरा कुआं है। और अब आप देखें ये जो कुआं है पीछे, अब तो बिल्कुल बैरियर लगा दिए हुए कि लोग उस तरफ ना जा सके, तो वहाँ का जो पानी है पानी के लिए, तो यहाँ पे वो पानी जो है ना, उस कुएं का पानी जो है यहाँ पे भी मिल रहा है। लोग आते हैं इस कुएं से पानी लेते हैं, और क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुएं के पानी में से पानी पिया भी था, और यहाँ पर जो है ना लोगों से बील वाटर है, यहाँ पे पानी भी है, पर इसके ऊपर लिखा हुआ है कि आप इस पानी को सेल नहीं कर सकते, बड़े बड़े कंटेनर्स में फिल नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत पीना चाहते हैं यूज़ करना चाहते हैं। ये अब्दुल रहमान ने हर जगह पे ना मस्तियाँ शुरू की होती हैं। चले जी इस वक्त यहाँ पे हम लोग आए हैं, और यहाँ पे आप इतना सारा रश देख सकते हैं। ये जो आप सामने घर देख रहे हैं ये है हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग खड़े हैं उस घर की ज़्यारत करने के लिए। बीबी फातिमा का घर था ये, और वैसे तो उन्होंने बाहर सारे बैरियर्स लगाए हुए हैं, अंदर एंट्री बिल्कुल अलाउड नहीं है, आप एंटर नहीं हो सकते हैं इस जगह के अंदर, लेकिन लोग ज़्यारत करने के लिए बाहर से आके देख सकते हैं। आए अंदर चल के थोड़ा सा देखते हैं। ये तो मुझे लगता है कोई एंट्री वे सा बना हुआ है, मैं ऐसे जंगले से वीडियो बना रही हूँ। ये देखें आपको दिखाते हैं यहाँ से, ये उस तरफ है खिड़की, ये जो है ये खिड़की है, और ये उनके घर का दरवाज़ा बना हुआ है, यहाँ से देखते हैं। ये देखें ये उनके घर का दरवाज़ा है। अच्छा मेरा ख्याल है ये भी कोई एंट्रेंस थी, और ये बंद हो चुकी हुई है, बंद है ये, और अभी तो पता है यहाँ पर कोई एंटर नहीं होने देता है, बिल्कुल बैरियर सा बना हुआ है, क्योंकि लोग यहाँ आते हैं बहुत सारे जमा हो जाते हैं, इस वजह से भी मुश्किल हो जाता है एक चीज़ को मेंटेन रखना। पहले बेटा ऐसे ही होती थी, बहुत सिंपल लाइफ होती थी, लेकिन बहुत अच्छी लाइफ होती थी, लोग अच्छे होते थे, हर चीज़ बहुत अच्छी होती थी। ये उनके घर की बैक साइड है, देखिए यहाँ पर आओ तो हम ये सोचते हैं कि वो कैसे रहते थे, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आते होते थे, कैसे वो लाइफ गुजारते थे,
कितने सारे सवाल आते हैं हमारे जहन में जब हम ऐसी जगह पर आते हैं और फिर हम अपनी लाइफ से कंपेयर करते हैं इन चीज़ों को। ये ज़्यारतें मेरा ख्याल है कि बहुत आपकी अगर लाइफ को चेंज भी कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा आपको सबक भी सीखने को मिलता है और आप अपनी ज़िंदगी को और मज़ीद सादा बनाने की कोशिश करते हैं इसके बाद। क्योंकि आप जब देखते हैं कि हमारे जो आइडियल है, हमारे जो प्रॉफिट्स हैं, जो हमारे कह लें कि यू नो इंस्पिरेशन जो हमारे लिए होनी चाहिए, वो इतने सुपर थे तो हम लोग इतना क्या करेंगे। चलें जी, यहाँ होती हैं हमारी आज के दिन की सारी ज़्यारतें भी कंप्लीट और मेरा ख्याल है कि व्लॉग को भी एंड करने का टाइम आ गया है। व्लॉग को करते हैं यहाँ पे ख़त्म और अगर आपको व्लॉग का मज़ा आया तो प्लीज़ व्लॉग को कर देना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त, टेक केयर, मच लव एंड आई लव यू।